नमस्कार दोस्तों, महाबली बजरंगबली हमारे हनुमान का अद्भुत पराक्रम तो आपने बहुत सुना होगा। उसी कड़ी में एक और कथा मैं जोड़ने जा रही हूँ। जब रावण ने देखा कि हमारी पराजय निश्चित है तो उसने 1000 अमर राक्षसों को बुलाकर रणभूमि में भेजने का आदेश दिया। ये ऐसे थे जिनको काल भी नहीं खा सकता था। विभीषण के गुप्तचरों से समाचार मिलने पर श्री राम को चिंता हुई कि हम लोग इनसे कब तक लड़ेंगे, सीता का उद्धार और विभीषण का राजतिलक कैसे होगा, क्योंकि युद्ध की समाप्ति असंभव है। श्री राम की इस स्थिति से वानर वाहिनी के साथ कपिराज सुग्रीव भी विचलित हो गए कि अब क्या होगा। हम अनंत काल तक युद्ध तो कर सकते हैं, पर विजय श्री का वरण नहीं, पूर्वोक्त दोनों कार्य असंभव है। अंजना नंदन हनुमान जी आकर वानर वाहिनी के साथ श्री राम को चिंतित देखकर बोले, प्रभु क्या बात है। श्री राम के संकेत से विभीषण जी ने सारी बात बतलाई। अब विजय असंभव है। पवन पुत्र ने कहा, असंभव को संभव और संभव को असंभव कर देने का नाम ही तो हनुमान है। प्रभु आप केवल मुझे आज्ञा दीजिए, मैं अकेले ही जाकर रावण की अमर सेना को नष्ट कर दूंगा। परंतु कैसे हनुमान, वो तो अमर है। श्री राम जी ने कहा, प्रभु इसकी चिंता आप न करें, बस सेवक पर विश्वास करें। ये हनुमान के वचन थे। उधर रावण ने चलते समय राक्षसों से कहा था कि वहाँ हनुमान नाम का एक वानर है, उससे जरा सावधान रहना। एकाकी हनुमान जी को रणभूमि में देखकर राक्षसों ने पूछा, तुम कौन हो, क्या हम लोगों को देखकर तुम्हें भय नहीं लगता जो अकेले रणभूमि में चले आए हो। मारुति बोले, क्यों, आते समय राक्षस राज रावण ने तुम लोगों को कुछ संकेत किया था जो मेरे समक्ष निर्भय हो। निशाचरों को समझते देर न लगी कि ये महाबली हनुमान है। फिर भी वे सोचे, तो भी क्या, हम अमर हैं, हमारा ये क्या बिगाड़ लेंगे। भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। पवन पुत्र की मार से राक्षस रणभूमि में ढेर होने लगे। चौथाई सेना बची थी कि पीछे से आवाज आई, हनुमान हम लोग अमर हैं, हमें जीतना असंभव है, अतः अपने स्वामी के साथ लंका से लौट जाओ, इसी में तुम सबका कल्याण है। आंजनेय ने कहा, लौटूंगा अवश्य, पर तुम्हारे कहने से नहीं अपितु अपनी इच्छा से। हाँ, तुम सब मिलकर आक्रमण करो, फिर मेरा बल देखो और रावण को जाकर बताना। राक्षसों ने जैसे ही एक साथ मिलकर हनुमान जी पर आक्रमण करना चाहा, वैसे ही पवन पुत्र ने उन सबको अपनी पूंछ से लपेटकर ऊपर आकाश में फेंक दिया। वे सब पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जहाँ तक है वहाँ से भी ऊपर चले गए और चले ही जा रहे हैं। चले मग जात सुखी गएगा, उनका शरीर सूख गया, अमर होने के कारण मर नहीं सकते। अतः रावण को गाली देते हुए और कष्ट के कारण अपनी अमरता को कोसते हुए अभी भी जा ही रहे हैं। इधर हनुमान जी ने आकर प्रभु के चरणों में शीश झुकाया। श्री राम बोले, क्या हुआ हनुमान। प्रभु उन्हें ऊपर भेज कर आ रहा हूँ राघव, पर वे अमर थे हनुमान। हाँ स्वामी, इसीलिए उन्हें जीवित ही ऊपर भेज आया हूँ, अब वे कभी भी नीचे नहीं आ सकते। रावण को अब आप शीघ्रातिशीघ्र ऊपर भेजने की कृपा करें, जिससे माता जानकी का आपसे मिलन और महाराज विभीषण का राज सिंहासन हो सके। पवन पुत्र को प्रभु ने उठाकर गले लगा लिया, वे धन्य हो गए अविरल भक्ति का वर पाकर। श्री राम उनके ऋणी बन गए और बोले, हनुमान जी आपने जो उपकार किया है वह मेरे अंग अंग में ही जीर्ण शीर्ण हो जाए, मैं उसका बदला ना चुका सकूं, क्योंकि उपकार का बदला विपत्ति काल में ही चुकाया जाता है। पुत्र तुम पर कभी कोई विपत्ति ना आए, यह सुनकर निहाल हो गए आंजने। हनुमान जी की वीरता के समान साक्षात काल देवराज इंद्र, महाराज कुबेर तथा भगवान विष्णु की भी वीरता नहीं सुनी गई, ऐसा कथन श्री राम का है। न कालस्य न सक्रस्य न विष्णु वृत्तपस्य च कर्माणि तानि श्रुण्यन्ते यानि युद्ध हनुमन्ता। जय श्री राम।